बाजवा पर तीन इल्जाम लगाए गए। इल्जाम के मुकदमा मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा की अहलिया उनके भाइयों के बैरून मुल्क कारोबार में हिस्सेदार थी, लेकिन उन्होंने मुआवन खसूसी के तौर पर अपने असासों की जो तफसील जमा कराई इसमें अहलिया के बैरून मुल्क असासों का जिक्र नहीं किया। दूसरा इल्ज़ाम ये था कि जैसे जैसे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा फौजी ओहदों में तरक्की पाते गए वैसे वैसे अमरीका में उनके भाइयों का कारोबार बढ़ता गया। तीसरा इल्ज़ाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के भाइयों और उनके बेटों की जानिब से बनाई गई कंपनीज उनकी कदर कीमत और मलकियत के बारे में था। अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा ने ट्विटर पर चार सफात का बयान जारी किया और अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद कर दिए। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के मुताबिक उन्होंने 22 जून 2020 को अपने असासों की तफसील जमा कराई जबकि उनकी अहलिया 1 जून को कारोबार में हिस्सेदारी से अलग हो चुकी थी। इस बात का बाकायदा दस्तावेजी रिकॉर्ड भी मौजूद है। जनरल आसिम सलीम बाजवा के मुताबिक उनकी अहलिया ने $19,492 की सरमायाकारी की और सरमायाकारी की ये रकम 2002 से लेकर 2020 तक 18 साल तक की सेविंग से फराहम की गई। बयान के मुताबिक इस तमाम रकम का हिसाब भी मौजूद है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अपने भाइयों की अमरीका और मुत्तहदा अरब अमारात में पापा जॉन्स और डेरी क्वीन की फ्रेंचाइज में सरमायाकारी से मुतालिक उन्होंने कहा कि बाचको ग्लोबल की जानिब से 99 कंपनी से मुतालिक बयान गलत है। अमेरिका में कुल 27 फाल कंपनियां हैं और मुत्तहदा अरब अमारात में 2 हैं। बयान के मुताबिक 2002 से लेकर 2020 तक 18 साल में भाइयों ने फ्रेंचाइज और असासे बनाने में $7 करोड़ खर्च किए जिसमें से $6 करोड़ बैंक से कर्ज और दीगर माली सहूलियात की मद में हासिल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के मुताबिक उनके भाइयों और अहलिया ने अपनी जेब से जो रकम लगाई वो $73,950 है। उसमें से उनकी अहलिया ने $19,492 लगाए, यानी उनके 5 भाइयों ने 18 साल में $54,458 अपनी जेब से खर्च किए और इस बिजनेस में 50 मजीद सरमायाकार भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा कहते हैं उनके 5 भाइयों में से 2 डॉक्टर हैं, एक भाई अमरीकी बैंक में नायब सदर के ओहदे पर काम कर चुका है, एक भाई रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनी में कंट्रोलर के ओहदे पर काम कर चुके हैं, एक भाई रेस्टोरेंट की चेन में ऑपरेटिंग पार्टनर थे और ये सब 2002 से पहले की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने सवाल किया कि क्या 2 डॉक्टर्स और आला ओहदों पर काम करने वाले अफराद 18 साल में अपनी जेब से $54,458 इकट्ठे नहीं कर सकते। इस इल्जाम की भी तर्दीद की गई है कि उनके भाइयों ने सिल्क लाइन एंटरप्राइज नामी कंपनी बनाकर सीपैक के ठेके लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के मुताबिक ये कंपनी सिर्फ रहीम यार खान में मौजूद सनअतों को अफरादी कुव्वत फराहम करती है। अपने बच्चों पर इल्जाम का जवाब देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा के साइन बिल्डर्स के नाम से उनके बेटों की कंपनी रजिस्टर्ड है और इसने अपने बनने के बाद से अब तक कोई बिजनेस नहीं किया। जवाब के मुताबिक हमालिया के नाम से बनाई गई कंपनी भी रजिस्टर्ड है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के बेटे सिर्फ 50% शेयर्स के मालिक हैं। गुज़िश्ता 3 साल में इस कंपनी ने 5 लाख रुपए से कम मुनाफा कमाया। मोची कार्ड डोनियर के नाम से कंपनी के बारे में यही कहा गया कि वो इनके बेटे की मलकियत तो है लेकिन 5 साल में इसने भी नुकसान नहीं उठाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने इस इल्जाम की भी तर्दीद की है कि माइंस और मिनरल से मुतालिक कंपनी तब बनाई गई जब वो बलूचिस्तान में तैनात थे। उन्होंने कहा है कंपनी का इंदराज 2019 में कराया गया लेकिन इसने कोई बिजनेस नहीं किया, ना ही इसका कोई बैंक अकाउंट खोला गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के मुताबिक एडवांस मार्केटिंग कंपनी उनके बेटे की मलकियत जरूर है लेकिन वो भी गैर फाल, इसने कोई बिजनेस नहीं किया। बयान के मुताबिक साइन मैनेजमेंट की जानिब से अमेरिका में खरीदे गए घर की मालियत भी $31,000 है। ये एक छोटा सा घर है जो उनके बेटों ने जाती वसाइल से खरीदा। बयान में कहा गया है कि उनके बेटे 18 साल से बड़ी उम्र के हैं और उन पर इन्हसार नहीं करते और अमरीका में अच्छी तनख्वाहों पर नौकरियाँ कर रहे हैं। उनके एक बेटे के पास अमेरिका में घर है लेकिन इसके लिए 80% रकम बैंक से कर्ज लेकर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ
खबर एक गैर मारूफ वेबसाइट पर शाया हुई थी। खबर शाया होने के बाद 27 अगस्त को ही एक मुख्तसर ट्वीट में उन्होंने इसकी तरदीद की थी, लेकिन फिर भी उंगलियां उठना शुरू हुई। यहां तक के वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भी कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को इल्जामात का जवाब देना चाहिए। उनके बारे में बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल तो यही है कि वो बातें ठीक नहीं हैं। मैंने बाजवा साहब से भी मेरा यही वो होगा, मशवरा होगा कि वो आकर इसकी क्लैरिफिकेशन कर दें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि जो बातें हो रही हैं वो दुरुस्त हैं। जमात लगाए, मेरा ख्याल जनरल आसिम जो है इसके ऊपर पूरा जवाब देने के लिए तैयार है और वो जवाब देंगे। इल्जामात के हवाले से काउंटर बयानियां ये सामने आया कि इल्जामात की आड़ में सीपैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन ने भी वजाहत मांगना शुरू कर दी, तहकीकात का मुतालबा शुरू कर दिया। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हो, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या सरीना ईसा हो, सब कानून के आगे बराबर हैं, कानून के सामने बराबर हैं। गुज़श्ता दिनों स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो खबर छपी, जो इल्जामात लगे उन पर, वो इतने संगीन है कि उनसे सिर्फ नजर नहीं किया जा सकता। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के खिलाफ खबर की बुनियाद उनकी जानिब से जमा कराए गए असासों की तफसील को बनाया गया। ये तफसीलात उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर ही जमा कराई थी। तफसीलात 22 जून को जमा कराई गई, लेकिन इससे पहले 1 जून को उनकी अहलिया भाइयों के कारोबार में हिस्से से अलग हो गई थी। साहब ने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये भी अहकाम जारी किए कि जो भी एडवाइजर्स हैं जो कि अनइलेक्टेड हैं वो भी अपने असासात की तफसीलात जो है तो वो जमा कराएं। आज 4 सफ़ों का वजाहती बयान जारी करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा से मनी ट्रेल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मुनासिब फॉरम पर मनी ट्रेल भी पेश कर देंगे।